नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है ईडी पर सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगले कुछ महीनों में आयकर के 200-250 कर्मियों की एक टीम पूरे छत्तीसगढ़ में छापेमारी करेगी। जैसे जैसे वे अधिक छापेमारी करेंगे उनकी सीटें जो है वो कम होती जाएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने और दबाने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला जुलाई 2020 से शुरू हुआ है जब झारखंड में चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। अपने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और भाजपा पर और भी कई आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में महज कुछ माह बाकी है, वहीं लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई से प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन उनकी करीबियों के यहाँ ईडी ने एक बार फिर छापा मारे हैं। इसमें सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी और कारोबारी शामिल हैं। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर चुनाव में बाधा डाला है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी भ्रष्टाचार पर मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। दरअसल ईडी ने बुधवार की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ दबिश दी, जिसमें सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष वंशारे के अलावा एक कारोबारी शामिल है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर मिले तोहफे के लिए आभार जताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसलिए ईडी आईटी को चुनाव लड़ने के लिए ठेका दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग ने ईडी की रेड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने के उद्देश्य से ईडी की छापेमारी करवाई है। वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ईडी की रेड सही ठहराते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल बेल पर हैं, उनके कई करीबी जेल में हैं, उनकी डिप्टी सेक्रेटरी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहाँ से ली जा रही है ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसा दिया? 75 करोड़ का हिसाब है भाई, उससे तो पूछा जाए मुख्यमंत्री जी से। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि ईडी राजनीतिक रूप से कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कर रही है। ईडी को शराब घोटाले का हिसाब बता देना चाहिए, कोयला घोटाले का हिसाब बता देना चाहिए, रमन सिंह को चिटफंड पनामा पर जवाब देना चाहिए। बीते चुनाव में भी विनोद वर्मा को घेरे थे, मुझे भी गिरफ्तार किए थे, भाजपा सीधा चुनाव नहीं लड़ पा रही है। भाई राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ईडी पर कांग्रेस ने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। ईडी की तमाम कार्रवाइयों को बीजेपी की राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। हालांकि बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराया है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अब जनता को तय करना है कि ईडी की कार्रवाई सही है या सियासी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। पर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी से सुनील चौधरी जी मौजूद हैं और वही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुनील चौधरी जी के पास चलते हैं। सुनील चौधरी जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अच्छा तोहफा दिया है, तोहफा के लिए आभार। सुनील
जी देखिए, भूपेश बघेल जी ने आभार व्यक्त किया है, लेकिन उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को छला है उससे जनता कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है। छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को लूटने का जिस प्रकार से षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में हुआ है, और महादेव ऐप के 50 लाख यूजर्स जो हैं और 20 लाख अकाउंट से जो पैसे छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई के गए हैं वो ईडी के द्वारा जो पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर के भी उनको विचार करना चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ईडी की कार्रवाई। लेकिन आपने महादेव सट्टा का आपने बोला है सुनील जी, तो कांग्रेस कह रही है कि महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई राज्य सरकार ने की है, सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करना चाहिए। जी 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 बहुत सही। देखिए वही बात मैं आगे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सुने, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। देखिए महादेव सट्टा ऐप पर ये जो कार्यवाही करे हैं वो दिखावे की कार्यवाही है, और महादेव सट्टा ऐप पर यदि जो कार्यवाही ये करे हैं उसी कार्यवाही के आधार पर तो ईडी आई है। फिर ये पूछते हैं ईडी क्यों आई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मई 2022 में आपने उन पर कार्यवाही की और जो गैर जमानती धाराएं थी उनको जमानती कर दिया, उन पर कहीं ना कहीं जाकर के मैनिपुलेशन कर दिया, और एक अधिकारी छोटे स्तर का पुलिस विभाग का एएसआई वो इस मामले में पूरा सरगना रहा, उसका पूरा पैसे का लेन देन होता रहा। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को 65 लाख रुपए पहुंचते थे, तो आप सोचें कि ऊपर तक के कितनी बड़ी रकम पहुंचती होगी। और सबसे बड़ी बात, इस सारे जो ये मामला है इसका संचालन केंद्र कहां है, इसका मुख्यालय कहां है? दुबई के अंदर में है, मुस्लिम कंट्रीज जहां पर की गेमिंग पर प्रतिबंधित है वहां पर ये लोग चलाते हैं, और डी कंपनी को भी पैसे दिए जा रहे हैं ऐसा भी समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि टेरर फंडिंग का भी मामला इसमें समझ में आता है। तो छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को जो है वो किस प्रकार से ले जा करके ऐसा किया जा रहा है, ये बड़ा जांच का विषय है। और जब जांच होती है तो इनको बड़ी घबराहट होती है। एक पुरानी कहानी थी कि तोता जो है उसमें जान राजा की जान होती है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी पकड़ा रहे हैं क्या वो राजनीतिक लोग हैं? यदि आरोप लगाते हैं राजनीतिक लोग हैं तो पता है कलेक्टर रानू साहू राजनीतिक रही है क्या, या जितने भी अधिकारी पकड़ा है वो राजनीतिक रहे क्या? केवल बचने की कोशिश और आरोप राजनीतिक रूप से लगाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, कैसे आपने छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई को गांधी परिवार के चरणों में ले जाकर के समर्पित कर दिया, कैसे आपने यहाँ के लोगों की गरीबों की मजदूरों की कमाई को कैसे लूटा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। अब इनको घबराहट होती है ईडी के नाम से। ईडी ने लगातार प्रेस नोट के माध्यम से अपनी बातें रखी है, ईडी के नाम मिले हैं, उस आधार पर यह कार्यवाही हुई है। धनंजय जी, क्यों घबराहट होती है कांग्रेस को ईडी के नाम पर? तमाम तरह के आरोप लगाए हैं सुनील जी ने। मैं सुनील चौधरी जी की बात को सुना, मुझे बड़ा ताजुब लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं को पता है कि महादेव ऐप के 20 लाख अकाउंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पता है कि महादेव ऐप के 50,000 से अधिक यूजर्स हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही पता है कि महादेव ऐप जो है दुबई से संचालित होती है, टेरर फंडिंग होता है और डी कंपनी को जाता है। कितनी बड़ी बात सोचिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो सोर्सेस है उसको तो मैं सलाम करता हूं, और दुर्भाग्य की बात है केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो खुद के सीने को 56 इंची बताती है, वो अमित शाह जी खुद को बहुत बड़ा गृहमंत्री और देश के भक्त बताते हैं, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि दुबई से अगर देश के बाहर सीमा से कोई चीजें हो रही है उसको रोकने की, अगर देश के बाहर सीमा से कहीं टेरर फंडिंग हो रहा है उसको रोकने की, अगर देश के बाहर से कोई अनैतिक काम देश के भीतर हो रहा है उसको रोकने की, वो चुप क्यों बैठे हैं भाई? किसने उसको रोका? मना किसने किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भूमिका है क्या महादेव ऐप में? ऐसा तो नहीं महादेव ऐप का सरगना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठता होगा, क्योंकि जब हमारी छत्तीसगढ़ के पुलिस उत्तर प्रदेश में जाकर सटोरियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, सटोरियों पर कार्यवाही की, तो यही योगीनाथ जी के पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को कार्यवाही से रोकती है, छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। ये देश में पहले बार हो रहा है कि एक पुलिस अपराधी को पकड़ने गया हुआ है, उसी अपराधी को बचाने के लिए उस राज्य के पुलिस उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करी है। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भाजपा के प्रवक्ताओं को सारी जानकारी है। ये समझ में आता है कि महादेव ऐप में सीधा सीधा भाजपा के बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पा रही। हमारी सरकार ने कार्रवाई किया ना, 700 से अधिक एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई है, और ईडी
जो खुद ये कहती है छापा मारने वाले घर में क्या करे, मजबूरी है, नौकरी करना है। और आज तक कविता जी एक रिकॉर्ड आपको बताऊंगा, आरोप लगाए कि शराब में 2168 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां हुई, जबकि रमन सिंह की सरकार थी तो 3900 रुपए का राजस्व शराब से आता था। हमारी सरकार बनने के बाद उस राजस्व में वृद्धि हुआ है और 6500 करोड़ रुपए उसका राजस्व हुआ है। तो मैं तो कहता हूं ना कि 15 साल में शराब में जितने कमाई हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। हर साल 2500 करोड़ का घोटाला रमन सरकार ने किया है। भाई वही सरकार है, वही शराब दुकान है, शराब पीने वाले भी लोग हैं और 3900 से 6500 करोड़ रुपए तो सीधा सीधा 2500 करोड़ रुपए का हर साल का घोटाला रमन सरकार ने किया है। दूसरी बात, कोयले में 500 करोड़ का आपने आरोप लगाया और आपने अभी 75 करोड़ का आरोप लगाया। भाई किसी भी जगह में एक मुश्त क्या 50 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त की है? जब अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए आई है कार्यवाही के नाम से। सिर्फ भूपेश बघेल सरकार जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है उनका चरित्रहरण कर रही है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता साथी को, जितनी जानकारी महादेव सट्टा के बारे में है पूरे देश में एक दो स्थान बता दे जहां पे इस मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा छत्तीसगढ़ के गया हो, ईडी ने जब्त किया हो, 50 करोड़ कहीं जब्त किया हो, बताए ना भाई। छत्तीसगढ़ को जानता को जानने का अधिकार है ना, क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है, छत्तीसगढ़िया है, इसलिए भाजपा को तकलीफ हो रहा है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं। बाबूलाल जी, बार बार जो कांग्रेस है वो आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी शासित राज्य में जो ईडी के छापे नहीं लगते हैं, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ईडी के छापे लगते हैं, तो क्या वाकई एक ये जो है राजनीतिक षड्यंत्र है जिस तरह से कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही है? जरूरत ही नहीं है, वाकई में वही छापे पड़ रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो कहीं ऐसी जगह मैंने नहीं सुना छापा की जहाँ भाजपा के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई की गई हो, या इन्होंने मांग की है कि रमन सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए नान घोटाले की, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसा हमने नहीं सुना। तो इसलिए जो है ये आरोप लग रहे हैं, ये शंकाएं पैदा हो रही हैं। और देखिए ये चुनाव का समय है, एक साथ इंदौरी जी ने एक शेर कहा था बहुत शानदार है, शेर मैं सुनाऊंगा कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या, आप इसको समझ लीजिए इसके इशारे क्या है जी। जब कोई ऐसी चीजें पैदा कर दी जाती हैं जिसमें लगता है कि चुनाव आ गए हैं और अब जो है मुद्दे देने के लिए जो है काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से ईडी जो है इतने अच्छे अच्छे मुद्दे दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है उस चीज को लेकर के, और उसको अच्छे मौके मिल रहे हैं, अच्छे मुद्दे मिल रहे हैं जिस पर वो एकदम चढ़ बैठी है, जैसे कांग्रेस में कि भाई ये भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार। और देखिए कर्नाटक में उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकार इसलिए बन गई क्योंकि उनके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दों का बहुत ज्यादा हमला हुआ, तो इनको लगता होगा राजनीतिक रूप से कि भाई भ्रष्टाचार के हमले जो है बड़े सटीक बैठेंगे। जहां तक मैं समझता हूँ पारदर्शिता होनी चाहिए, ईडी की कार्रवाई पे किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता, ईडी कार्रवाई पुख्ता ढंग से अपने सोच समझ के करती है, हम उसमें किसी प्रकार का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए कि क्या हमने किया, क्या किसके यहाँ पाया, क्यों किया, ये सारी सामने आनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो होते हैं तुरंत कार्रवाई हो, एक बार एक आदमी के यहाँ 5-5, 6-6 बार, 3-3 बार, 4-4 बार जाना जो है लोगों को तो मालूम पड़ गया कि हमारे यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तो उनके यहाँ क्या मिलेगा? अब उसके फिर शंका पैदा होगी, अगर कुछ मिला बताया जाता है कि भाई ये तो अब तो शंका पैदा होगी कि भाई मुफ्तीश किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा, और सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार को बताने के लिए प्रयास हो रहा है ये लोगों को लग रहा है, और सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग कैसे और कितना किसके लिए जा सकता है यह छत्तीसगढ़ जनता देख रही है। लोगों को लग रहा है कि ये तो बड़ा विचित्र काम हो रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है अगर आपको पारदर्शिता रखनी है और ईमानदारी से ये करना है, जांच करनी है जी। तो आप सिर्फ इसके 3 साल का नहीं करना चाहिए, 4 साल का नहीं करना चाहिए, 2001 से लेकर आज तक टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कोयला शराब की कमीशन खोरी जो है, मैं 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर सरकारों में वही स्थिति बनती है, हर सरकारों पर वो आरोप लगते हैं, तो सबको शामिल करके सारी सरकारों की जो है वो पूरी जांच कर लेनी चाहिए ताकि सारी चीजें सामने आ जाए, और 4 करोड़ रुपए के घोटाले जो सामने आएंगे उसको जो है जोड़ देना चाहिए, जिन जिन नेताओं को दोषी पाओ आप, जिन जिन लोगों को दोषी पाओ, अधिकारी को दोषी पाओ, सबको गिरफ्तार कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये चुनावी साल में 2-3 साल के जो जांच करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने से लोगों को शंका हो रही है, लोग बोल रहे हैं अभी ही कार्रवाई क्यों हुई, तो 23 साल तो सब चल ही रहा है, धर्मांतरण कभी बंद नहीं हुआ,
सिर्फ धर्मांतरण कांग्रेस करा रही है, तो ये स्थितियां जो है ये शंका पैदा कर दी। बिल्कुल जी, सुनील जी के पास चलेंगे। सुनील जी, कांग्रेस ये कह रही है कि रमन सिंह, पहले ये बताए कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में किसकी रिकवरी हुई और चीट फंड कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, चिरंजीवी जो कौन सा धंधा करते थे जो संपत्ति बढ़ गई, ये बहुत सारे आरोप लगाए हैं शराब घोटाले के, पनामा घोटाले के। देखिए कांग्रेस जो है वो अभी तक के अपने विपक्ष वाले भूमिका से बाहर नहीं आ पाई है। 15 साल जैसा धूल चटा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको विपक्ष में रखे थे, उससे ये बाहर नहीं आ पा रही है। भाई आपकी सरकार रही यहां पर 4.5 साल, आपको कार्यवाही करनी चाहिए थी, सरकार में आप थे, आप क्यों कार्यवाही नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारे जो आरोप हैं वो झूठे रहे हैं। और ईडी जो आ रही है महादेव ऐप के विषय में, मैं भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां अखबारों में उसके एड निकाले जाते थे, लगातार एड छपता था लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देता था। और ये भी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कि शराब में यहां का राजस्व बढ़ गया। शराबबंदी की बात करके आने वाले यहां के कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शराब में राजस्व बढ़ गया है, और कार्यवाही आपको कुछ करना नहीं है, केवल बातों ही बातों में सब कुछ कर डालेंगे। तो कांग्रेस जो है केवल भ्रष्टाचार का गढ़, घोटालों का गढ़ छत्तीसगढ़ को बना दी है, लूट खसोट की राजनीति यहां पर चल रही है। कैसे पैसा कमाया जाए, कौन सी योजना बनाई जाए जिसमें केवल पैसा आ जाए, लूट लिया जाए और जाकर के इनके केंद्रीय नेतृत्व को एटीएम बंद करके समर्पित कर दिया जाए। तो ऐसी सरकार यहां छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है आज आप देखेंगे कि बेरोजगार नंगे दौड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आप देखेंगे कि बेरोजगारी भत्ते का आप बताएंगे कि क्या स्थिति है बेरोजगारी भत्ते की, 1,21,000 को दे रहे और बेरोजगार जो 18 लाख से ज्यादा ऊपर हो गए। तो हालत खराब है छत्तीसगढ़ में। नौकरी की बात करते हैं 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और जब विधानसभा में बात आती है तो आप 18,000 की बात करते हैं कि 18,000 को हमने नौकरी दिया है, बाकी लोग को हमने स्वरोजगार दिया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आपने पात्रता नहीं, अपात्रता के नियम बना दिए। तो छत्तीसगढ़ में अराजकता फैली हुई है, एक ओर आप लूट रहे हैं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के लोगों को छल कर रहे हैं। शराबबंदी किस दिन करेंगे? जिस दिन आचार संहिता घोषित होगी उस दिन करेंगे। अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, जो आपका सबसे बड़ा वादा था वो भी आप कर नहीं पा रहे। अरे आचार संहिता लगने में 100 दिन से भी कम का समय बचा है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है और ध्यान भटकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये केवल आरोप लगा रहे हैं, ईडी जो कार्यवाही कर रही है उसके पुख्ता प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तभी तो एक भी व्यक्ति जमानत पर बाहर नहीं निकल रहा है, तभी तो इनके लोग लगातार जेल में बने हुए हैं। और ईडी की कार्यवाही को ये लोग बोलते हैं कि भाजपा प्रायोजित है। अरे भैया ईडी ने तो और भी लोगों पर कार्यवाही की है, कर्नाटक में हमारे विधायक को भी पकड़ा है। और हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जरी भी सुचिता आपके पास है तो आपके विभाग तक के, आपके मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंची, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और माननीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाए हुए एनआईए से आप जांच करवाइए इसकी, हम तो चाहते हैं कि बड़ी जांच कराएं आप। धनंजय जी, राज्य में कांग्रेस सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई की जिस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाया है, चाहे पनामा की बात कर ले, शराब घोटाले की बात कर ले, कोयले की बात कर ले, क्यों नहीं कांग्रेस ने कार्रवाई की? सरकार कांग्रेस की है तो बढ़िया, आपने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा और मैं तो धन्यवाद देता हूं सुनील चौधरी जी को, इन बहुत सारे बातों का जवाब मुझसे चाहे मैं दूंगा, शांति पर सुनेंगे जी। इन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाई, आपके चैनल में प्रदेश की जनता को बता रहा हूं, जब रमन सिंह की सरकार 2018 में थी तो इस प्रदेश में 3900 करोड़ रूपये का राजस्व मिलता था एक साल में, हमारी सरकार बनी तो एक साल में वो राजस्व 6500 करोड़ रूपये हो गया। तो कौन सरकार ईमानदार है? शराब की दुकान तो वही है, शराब बिक्री उतनी है। तो समझ में आता है ना कि प्रतिवर्ष लगभग 2600 करोड़ रूपये का घोटाला रमन सरकार ने शराब में किया, यानी कि अगर 10 साल भी अपन जोड़ लेते हैं तो 26000 करोड़ शराब का घोटाला हो गया। तो घोटाला किसने किया? 3900 करोड़ रमन सरकार का राजस्व, 6500 करोड़ रूपये हमारी सरकार का राजस्व। दूसरी बात, इन्होंने भी बात कही थी कि वो बेरोजगारी भत्ते को लेकर, हमने तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया था लेकिन दिए हैं। पर आप बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था घोषणा पत्र में। नहीं, ये मत बोलिए, बाबूलाल भैया भी बैठे, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था आपने। शांतिपूर्वक सुना, आप सुनिए, समय का पहले ही अभाव होता है, शांति सुना ना। दूसरी बात, नहीं सुन पाएंगे ना, आपने पूछा पनामा पेपर्स के मामले में जी, चिट फंड के मामले में आपने पूछा, चिरंजीवी चिट फंड के मामले में, पनामा पेपर्स मामले में और नान घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी देश के जांच एजेंसी ईडी को पत्र लिखते हैं कि रमन सरकार के दौरान हुए 36000 करोड़ रूपये की चावल चोरी, 6000 करोड़ रूपये का चिट फंड के माध्यम से हुए मनी लॉन्ड्रिंग,
और जो पनामा पेपर्स घोटाला है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिला के पते पर अभिषेक सिंह के नाम से खाता खुलवाई गई है, इसकी जांच ईडी कर ले। एक राज्य का मुखिया केंद्र के एजेंसी को पत्र लिखकर निवेदन कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को निवेदन करता है कि देश प्रदेश में इतने घोटाले हुए सी जांच होनी चाहिए, क्यों जांच नहीं कर रहे भाई? एक मुखिया की बात को नहीं स्वीकार किया जा रहा है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी बातें कही है महादेव को लेकर। मैंने कहा ना भाई, अब उत्तर प्रदेश पुलिस छत्तीसगढ़ के पुलिस को रोकती है महादेव के सटोरियों को बचाने के लिए, तो भाई इससे संबंध में आता ना कि भारतीय जनता पार्टी का कितना गहरा संबंध है उन सटोरियों के साथ में। तीसरी बात, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला आप देखिएगा, जिस दौरान बैंक का घोटाला हुआ उस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, रामविचार नेताम जी गृह मंत्री थे, अमर अग्रवाल जी सहकारिता मंत्री थे और बैंक कांग्रेसियों का था। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांग्रेस के थे, कांग्रेसियों ने लिया। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, आपने बोला सुना हूँ। और बिजमोहन अग्रवाल मंत्री थे, राजेश मूरत मंत्री थे, तत्कालीन डीजीपी, जब बैंक मैनेजर जाके इनको करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की बात नार्को टेस्ट में स्वीकार किया, वाह रमन सिंह जी थोड़ा दिल नहीं पसीजा? एक फूल बेचने वाले का, एक टमाटर बेचने वाले का पैसा खा गए, उनके आपने रिकवरी नहीं किया? करोड़ों रुपए की रिश्वत ले ली, आज रिकवरी हो रही ना, 1,65,00,000 रुपए रिकवरी हो गई है। तो यही तो समझ में आता है ना कौन घोटालेबाजों के साथ में है। 20,00,000 फर्जी राशन कार्ड रमन सिंह की सरकार ने बना, किसानों को धोखा इन्होंने दिया और 9 साल से नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे नैतिकता की, तो नैतिकता के आधार पर तो सबसे पहले किसी की इस्तीफा देना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पद से तो नरेंद्र मोदी जी को है। अभी सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है ना कि अयोध्या डेवलपमेंट के नाम से कितना करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया, जो 18 करोड़ रुपए एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार 250 करोड़ रुपए किलोमीटर बनवा रही है। सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ नैतिकता की बात है ना, सुन लीजिए ना। आयुष्मान भारत योजना 9,00,000 फर्जी नंबर से बन गए, 80,000 मृत लोगों का ट्रीटमेंट कर दिए, जांच तो होनी चाहिए ना, तो नैतिकता किस पर है? हम तो प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। बाबूलाल जी, क्या वाकई जो बीजेपी है वो क्या घबराई हुई है? जिस तरह से कांग्रेस बार बार आरोप लगाई है, लगा दी, जो बीजेपी है वो घबराई हुई है इसलिए ईडी कार्रवाई करवा दी है? ईडी ही चुनाव लड़ रही है, बीजेपी नहीं। घबराई हुई है, घबराई हुई कोई पार्टी नहीं होती है, कोई मुकाबला करने को तैयार होती है। देखिए, कोई भी सरकार में, दोनों प्रवक्ता इस बात को नहीं कह सकते, कोई भी सरकार में बिना पैसे के कोई काम करवाया जा सकता है क्या? अपने दिल से राजनीति में कोई भजन कीर्तन प्रवचन करने थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती है, क्योंकि सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। इसमें मैं नेताओं को दोष नहीं देता, मैं सरकार को नहीं देता, सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। और जब सिस्टम भ्रष्ट है, मैं अपवाद के रूप में कुछ लोगों को छोड़ता हूँ कि बहुत से लोग अपवाद के रूप में बिल्कुल सीधे साधे और ईमानदार लोग हैं, वो बेचारे किनारे पड़े हुए हैं, चाहे वो अधिकारी चाहे नेता हो, लेकिन ये सिस्टम भ्रष्ट है। तो राजनीति की क्या कर पाएगा आप उसको सोचिए, कोशिश ही कर पाएगा ना, वो होता रहता है कोशिश। जैसे अपने आपने बताया महादेव ऐप के लिए छापे पड़े, बहुत सारे केस बने, तो यही तो कर सकता है। अपराध होते रहेंगे, अपराध कोई रुक जाते थे किसी सरकार के आने से अपराध कोई रुक जाएगा, ब्रेक लग जाएगा? नहीं, अपराध होते रहेंगे, यूपी में भी हो रहे हैं, यहां भी हो रहे होंगे और मध्य प्रदेश में भी होते होंगे। तो उसमें जो सरकार क्या कार्रवाई करती है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसको कहा जाता है कि भाई सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, अपराध तो होते रहेंगे। इसलिए जो है मैं ये कहता हूं कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है ईडीआईटी की, उसमें एक दर्शन ये आ रहा है, एक साइकोलॉजी दिखाई देती है कि भ्रष्टाचारी सरकार बताने का प्रयास हो रहा है भूपेश बघेल सरकार को, कि जैसे कर्नाटक में लाभ मिला कांग्रेस को, उस तरह यहां पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई बड़ा मुद्दा इस वक्त नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। आज भ्रष्टाचार के विषय पे बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह एक टीवी शो में गए थे तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही 80% बात भ्रष्टाचार के ऊपर की। तो लगता है कि रणनीति ये बनी है कि भ्रष्टाचार में जो है भूपेश सरकार को बदनाम किया जाए और उसका लाभ उठाया जाए। अब जनता पे छोड़ दीजिए, क्या निर्णय लेगी जनता? जनता जैसे जिस ढंग से देख रही है, जिस ढंग से सोच रही है, जनता ही निर्णय लेगी समय पर। जी जी सुनील जी, जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद धनंजय जी के पास चलेंगे, समय का अभाव है, जल्दी से। देखिए, ये सरकार चौतरफा घिर गई है। ये चिटफंड की बात करते हैं, चिटफंड में तो इन्होंने 1% लोगों का पैसा नहीं लौटाया, बल्कि सहारा इंडिया में देखिए स्टॉल लगा लगा करके हम लोग पैसा लौटाने का काम कर रहे हैं। तो ये केवल बात करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ के जनमानस को पता है सरकार ने वादा खिलाफी की है, अपने जो घोषणा पत्र में बात कही थी उसको पूरा नहीं किया है, तभी तो लोग यहां पर नंगे दौड़ रहे हैं, तभी तो बेरोजगार युवा देखेंगे कि सड़कों पर है, तभी तो आंदोलनों की भरमार है और उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं। पेंशनरों को पुरानी पेंशन योजना में
ये उनसे शपथ पत्र लिए कि किसी न्यायालय में नहीं जाओगे आप, ये इस प्रकार की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार तय कर लिया, बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ना बदलबो। ठीक है, जल्दी से देखिए, ये नग्न की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में युवा विरोध जताने कपड़े उतारे थे और मणिपुर में भाजपा की सरकार ने महिलाओं को निवस्त करके, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, वो जाति हिंसा थी, वो जाति हिंसा थी, वो जाति हिंसा थी, भाजपा की सरकार ने नहीं घुमाया है, आपके लोगों ने यहाँ पर निवस्त होने पर मजबूर कर दिया, आपके लोगों ने निवस्त होने पर मजबूर कर दिया भाजपा की, ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है, वो जाति वहाँ पर जाति हिंसा है, समुदायों की हिंसा है और उसमें घटनाएं घटी है, उसमें घटनाएं घटी है, ये जाति हिंसा का सामुदायिक हिंसा का मामला है, सामुदायिक हिंसा का, यहाँ के मुख्यमंत्री लोगों का कंधा तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यहाँ की सरकार भ्रष्टाचार का करते हैं, यहाँ की सरकार जो है। धनंजय जी आपके बहुत धन्यवाद और सुनील जी आपके बहुत धन्यवाद, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बात छत्तीसगढ़ में हमारा आज का मुद्दा था, ईडी पर सियासी घमासान, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है, एक तरफ कांग्रेस इसे गलत ठहरा रही है, वहीं पर जो बीजेपी है इसे सही ठहरा रही है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।